ओके सो हे गाइस, कैसे हो यार? जैसे ही पिछली वीडियो में देखा था एमडॉक्स के बारे में, वैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया इस वीडियो में भी आपके लिए। तो इसमें हम बात करेंगे नए इंपॉर्टेंट जॉब के बारे में जो कि काफ़ी अच्छी है। सो वीडियो को एंड तक देखना यार, स्टार्ट करते हैं। जैसे थंबनेल में आपने देख लिया होगा यार, नगारो इज हायरिंग फॉर 2020 पास आउट्स। सो इसमें नगारो की बात करेंगे हम कम्प्लीटली। सो इसमें हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर के सिलेक्शन प्रोसेस, यूजफुल टिप्स, रिसोर्सेज एंड सम पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें जो है हमारे पास यस बायोपी जो है वो 2020 है स्ट्रिक्टली, एंड वही क्वालिफिकेशन तो वही होती है बी बी टेक, एम ई एम टेक, और जो ब्रांचेस अलाउड है वो है सी एस आई टी, ई सी ई ई और रिलेटेड टेक्निकल फील्ड्स, तो यही सब अलाउड है यार, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नगारो आल्सो हायरिंग फॉर बीएससी और बीसीए पास आउट्स। सो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसका एक सेपरेट लिंक है, ठीक है। सो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है टेलीग्राम चैनल, उसे ज्वाइन कर लेना, उसमें वो लिंक जो आपको मिलेगा बीसीए और बीएससी का, ठीक है ना। सो उसको देख लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। ओके सो यस, ये है भाई जॉब अपॉर्चुनिटी, ट्रेनी टेक्नोलॉजी प्रोफाइल के लिए हायर कर रही है, ठीक है। सो बेसिकली नगारो जो है रिसेंट पास आउट को हायर करी है 2020 को। सो इसका जो लिंक है अप्लाई करने का मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है वीडियो के। सो देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। बेसिकली देखो, किसी भी कंपनी का प्रोसेस अगर आपको देखना है सिलेक्शन प्रोसेस, तो उसका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख लो यार, ठीक है ना। उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या जो है कैसे सेट ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं हम, इसमें मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ठीक है, जो मैंने लास्ट ईयर दिया था। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर दिया था, तो मैंने अप्लाई किया था गूगल फॉर्म से, जो कि एक गूगल डॉक्स फॉर्म होता है फेसबुक पेज पे। सो देखो यार, इसमें दो चीज़ें हैं। नगारो जो है, एक तो तुम डायरेक्ट कंपनी की साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, जो कि ये है, ठीक है। दूसरा ये कि नगारो के फेसबुक पेज में भी एक जो है आता है पोस्ट के लिए, तो फेसबुक पेज पे आता है गूगल डॉक्स का लिंक, वहाँ पे भी तुम गूगल फॉर्म का लिंक, तो उसे तुम वहाँ पे भर सकते हो। देखो, वहाँ भरने का ये फ़ायदा है कि तुम्हारा चांसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मेरे दोस्त ने भरा था, तो उसका शॉर्टलिस्ट हो गया, फिर मैंने भरा तो मेरा भी शॉर्टलिस्ट हो गया, मैंने अपने दोस्त को दिया उसका भी शॉर्टलिस्ट हो गया। शॉर्टलिस्ट यानी कि उसको मेल आ गई फर्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आप कंपनी साइट पर भरोगे तो वहाँ पर चांसेस कम है, लेकिन आ सकता है, क्योंकि देखो अब जैसे उसमें फेसबुक पेज जो, उसमें ज़्यादा चांसेस हैं आने के, जहाँ तक मुझे लगता है। बट इस जॉब प्रोफाइल के लिए जो मैं अभी बता रहा हूँ, उसके लिए फेसबुक पेज पे अभी इन्होंने कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया है नगारो ने, ठीक है। अगर ये देंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो उसे आप ज्वाइन कर लेना अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है। और आल्सो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा फेसबुक में, अगर गूगल फॉर्म आता है तो, ठीक है, तो वहाँ भी जरूर भर लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट राउंड तो जो होता है वो घर से ही होता है, जो कि अपना यही होता है एफटी और एमसीक्यू आते हैं इसमें, एफटी के प्लस डीएसएल को के, ठीक है। प्लस 2.5 फॉर करेक्ट, माइनस 1 फॉर नेगेटिव मार्किंग। सो देख के करना यार, सारे अटेम्प्ट मत करना, सिर्फ वही करना जो आते हो, तुक्के मत मारना। और यस, इसमें एक और चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम जहाँ तक मुझे लगता है, याद तो नहीं लेकिन एक से डेढ़ घंटे का होता है शायद, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, बट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेवल इजी टू मीडियम रहेगा यार, ठीक है ना। और जो डी एस एल गो के एम सी क्यू आएंगे वो गेट लेवल के होंगे, ठीक है। तो ढंग से प्रिपेयर कर लेना है यार उसके लिए, बाकी मैं बता दूंगा कि कहाँ से प्रिपेयर करना है रिसोर्सेज, ठीक है। अब अगर आपने ये राउंड क्लियर कर लिया तो आपको मेल आएगी, अब वो मेल कभी भी आ सकती है यार, एक हफ्ते, दो हफ्ते, तीन हफ्ते में, डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट। उसके बाद सेकेंड राउंड के लिए वो आपको अपने गुड़गांव ऑफिस बुलाएंगे, ठीक है। अब आपकी तरह ऐसे बहुत बंदों ने अप्लाई किया होगा, तो और भी जो जिन्होंने अप्लाई किया होगा वो भी आ सकते हैं। मेरे टाइम पे 16 बंदे आए थे कुल, अलग अलग कॉलेज से। तो इसमें जो सेकंड राउंड में क्या होता है, 3 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, 75 मिनट्स। लैंग्वेजेस कोई भी अलाउड होती है, नो डाउट, नो वरी, ओके। जब मेन चीज़ ये है कि आपको लॉजिक आना चाहिए, ठीक है। इवन आपको लैंग्वेज नहीं भी आती तो भी आप सूडो कोड ले दोगे तो भी चले गया, ठीक है, बट आपको लॉजिक पता होना चाहिए। तो उसमें जो मेरे को क्वेश्चन पूछे गए थे वो ये थे यार, 3 के क्लोजेस्ट एलिमेंट टू अ गिवन वैल्यू इन एरे, प्रिंट ऑल सब एरेज हु सम जीरो, LCS ऑफ टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखो यार, क्वेश्चन जो है मोस्टली आपको GFG में मिल ही जाएंगी, और इजी टू मीडियम होते हैं, ठीक है।
और बाकी क्वेश्चन सबको सेम मिलते हैं, ठीक है ना। सबको जो क्वेश्चन वहाँ पे बैठे होंगे सबको क्वेश्चन सेम ही मिलेंगे, और चीटिंग का यार वैसे चांस तो नहीं है, पर करने वाले फिर भी कर लेंगे। लेकिन क्योंकि वहाँ पे सामने भी बैठे रहते हैं, जो मतलब उनका एक एम्प्लॉय होता है वो बैठा रहता है, तो इसमें यार हाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट मैं बताऊंगा इसमें, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नगेरो बहुत ही ज़्यादा फोकस करता है ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पे, ठीक है। इस पे फोकस करना है यार, मतलब कि जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसका एकदम ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच लिखना, ब्रूट फोर्स मत लिखना है, ठीक है। जैसे कि तुम एरे में कुछ ढूंढ रहे हो एलिमेंट, तो उसको एन स्क्वायर से मत कर लेना यार। सिंपल अगर तुम्हें लग रहा है कि एरे सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च लगा के ढूंढ सकते हो, है ना। तो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच यूज़ करना है एकदम यार, ठीक है ना। क्योंकि देखो वहाँ पे बहुत सारे बंदे होंगे जो तुम्हारे साथ होंगे, तो आगे वही जाएगा जिसने ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच अप्लाई करी होगी, राइट। तो इसलिए ऑप्टिमाइज्ड यूज़ करना है, ठीक है। और अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो ब्रूट फोर्स यूज़ कर सकते हो, बट ट्राई टू यूज ऑप्टिमाइज ओनली, ओके। देन ओनली योर चांसेस ऑफ गोइंग टू नेक्स्ट राउंड विल बी इंक्रीज, ओके। नेक्स्ट आफ्टर दैट उसके बाद राउंड थ्री होगा, जो कि सेम डे में होगा। इसमें जो है बेसिकली क्या चेक करेंगे कि जो आपने क्वेश्चन करे थे कोडिंग क्वेश्चन, उसके लॉजिक सबसे पूछे जाएंगे। ये वन ऑन वन इंटरव्यू होगा, फेस टू फेस, ठीक है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे आपने लॉजिक अप्लाई किया, क्या आपकी कम्प्लेक्सिटी रही, ठीक है, और कैसी आपकी अप्रोच रही, ठीक है। क्या आपकी, अच्छा अगर आपने ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच नहीं यूज़ करी तो आप यहाँ बता सकते हो उनको कि क्या ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, ठीक है। तो ये सब इसमें पूछा जाएगा बेसिकली। जो सेकंड कोडिंग राउंड में क्वेश्चन थे उनको एनालाइज किया जाएगा। अब क्या होता है कि मैंने तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, तो मेरे से इसी में से पूछा था सेकेंड राउंड के क्वेश्चन में से ही कि आपने कैसे कैसे जो है अप्रोच क्रिएट करी, कौन सी आपकी एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी कितनी थी। अब कुछ बच्चे जैसे जैसे मान लो किसी ने पूरा सॉल्व नहीं करे सारे तीनों, या किसी ने सारे सबकी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच नहीं सॉल्व करी, कोई एक क्वेश्चन को ब्रूट फोर्स कर दिया, तो उस केस में वो उनसे जो है ऑप्टिमाइज पूछ सकते हैं कि क्या ऑप्टिमाइज है, ठीक है। या फिर कुछ नया क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कि एक बंदे को पूछा था सॉर्ट एन एरे ऑफ जीरो वंस एंड टूज, तो ये कोडिंग क्वेश्चन में नहीं था लेकिन थर्ड राउंड में पूछा गया था, तो इट डिपेंड सर, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा सेकंड राउंड में मोस्टली आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और ऑप्टिमाइज अप्रोच देना, तो आपके चांसेस टू गो टू थर्ड राउंड तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, प्लस थर्ड राउंड में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना पूछा जाए इसके भी चांस बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पूछेंगे भी तो DSL को सही पूछेंगे यार, ठीक है ना, इजी टू मीडियम, नो वरी। बेसिकली आपका लॉजिक चेक होगा। इसके बाद यस सेम डे में अगला राउंड है HR राउंड। HR से पहले वो आपको दो फॉर्म देंगे, अगर आपको दो फॉर्म मिल गए तो यार खुश हो जाना क्योंकि आप सिलेक्ट हो चुके हो। बेसिकली उसमें सिंपल डिटेल होती है लाइक आपका नाम, क्वालिफिकेशन, डिग्री एंड ऑल ऑफ दिस, ओके। उसके बाद HR राउंड में तो बताइए सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं यार, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, रैंक इन एंट्रेंस एग्जाम, जो जिसमें आपने एडमिशन लिया उसका एंट्रेंस एग्जाम में क्या रैंक थी, फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रेट योर सेल्फ इन योर होल कॉलेज इन योर फेवरेट लैंग्वेज, ऐसे ये पूछते हैं यार। कौन सा कोडिंग प्लेटफॉर्म में रेगुलर हो, कोई अचीवमेंट आया उसमें नहीं है, ब्रीफ डिस्कशन अबाउट प्रोजेक्ट्स, कोई इतना डीप में नहीं होगा बट ब्रीफ पूछेंगे, ठीक है। हाउ यू सी योर सेल्फ 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, वाई नगेरियो, एनी ऑफर, सो बेसिकली यही पूछा जाएगा, ठीक है यार। तो बेसिकली यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप देखना यार। नगेरो बेसिकली आज पूछती है एरेस स्ट्रिंग से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कभी कभार क्वेश्चन DP के भी आ जाते हैं, ठीक है, जैसे मेरे को आ गया था। तो अगर DP के आएगा तो क्लासिक क्वेश्चन ही आएंगे यार, जैसे कि LCS हो गया, ठीक है, ये वाला जो LCS था ये वाला आ गया, तो जो क्लासिकल क्वेश्चंस होते हैं ना DP के यार वही पूछे जाएंगे, स्टेयर केस प्रॉब्लम, यही सब, मतलब जो क्लासिकल क्वेश्चंस होते हैं तीन चार वही पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यार ये तो मैंने बता दिया अपना। अब देखो ये तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था लेकिन ये काफ़ी पुराना था यार, 1 साल पुराना, ठीक है। तो मैं तुम्हें एम्फोसाइज करूंगा कि क्या करना, एक बार इसे रीड करना, उसके बाद गूगल पे लिखना नगेरो आर्काइव्स, सिंपल, ठीक है, सिंपल लिख लेना यार नगेरो आर्काइव्स, ठीक है। अब इतना सा लिखोगे तो यार अगर तुम GFG भी नहीं भी लिखोगे तो तुम्हारे पास पहले ही GFG का आ जाएगा, ठीक है। इसे क्लिक करते तुम यहाँ पहुँच जाओगे, ये वाला, यहाँ पे तुम्हारे पास लेटेस्ट क्वेश्चंस होंगे, जैसे ये 16 नवंबर का है, ठीक है। तो यार ये पढ़ना है यार, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी प्रोफाइल से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। जैसे ये थोड़े इसी साल हुआ था वुमेन पूल ड्राइव फॉर ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसी ड्राइव से पहले एक और ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी की निकली थी, ठीक है, उसके भी क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे ये जून में हुआ था, सेम प्रोफाइल के लिए हायर किया था नगेरो ने, ठीक है। तो ये पढ़ लेना यार, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तुम्हें पता लग जाएंगे कैसे सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अब, क्योंकि अभी वो तो क्वेश्चन पुराने हो चुके हैं जो मैंने दिए थे, अब ये नए हैं। तो ये कर लेना यार, ये 3 पेज है इसमें, दो तीन, तो ज़्यादा नहीं है,
तीन पेज कर लेना। और एक और एडवाइस दूंगा यार, ये क्वेश्चन कर लेना मैट का, एक बार मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यार, जैसे कि स्पाइरल प्रिंट करना है मैट्रिक्स को, ठीक है, वेव ऑर्डर में प्रिंट करना है, जैसे कि ये क्वेश्चन है प्रिंट अ मैट्रिक्स इन स्पाइरल फॉर्म। तो ये टू डी मैट्रिक्स बेसिकली जो है उसके क्वेश्चंस का एक बार पूछ लेता है, ठीक है, तो वो कर लेना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी बस अपना कूल रहना और अच्छे से दे देना, ठीक है। तो ये जो ये, और हाँ, हर चीज़ की एक मैं आपको टिप दूंगा, जब आप सेकंड राउंड में कोडिंग क्वेश्चन कर रहे होगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसकी कम्प्लेक्सिटी लिख लेना यार, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं, तुम्हारे शॉर्टलिस्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे कि तुमने कम्प्लेक्सिटी भी लिखी हुई है, तुमसे पता होगा कि तुम्हें पता है कि तुमने क्या यूज़ करा है और तुम्हें कम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। तो ये कर लेना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसे मैं बोलूँगा कि मस्ट अप्लाई है, ना कह रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है, लाइक एमडॉक्स की तरह ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो इसे अप्लाई करना, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर फेसबुक का आता है तो मैं अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल यार, क्योंकि उस पर जो है मैं हर रोज डेली अपडेट्स डालता हूँ, ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, डेली जॉब अपडेट्स डालता रहता हूँ। सो ओके, टिल देन सी या, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।